तारिक, खुश आमदीद। शुक्रिया मनामी। ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे लिए है? वाकई ये बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, इन फूलों के लिए बहुत शुक्रिया। माधा चाहूंगी, बैठो ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं भी इसीलिए आया था कि तुम्हें भी यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। क्यों ना हम खाना खाने चलें? खाने पर? बहुत शुक्रिया, मगर आज यहाँ नाजली नहीं है। मैं भी फतोश से जाकर बात करती हूँ, फिर आती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, बैठो यहाँ इंतजार कर लो, मैं भी आती हूँ। फिर से बहुत शुक्रिया। अरे फतोश, फतोश देखो ना, तारिक मेरे लिए फूल लेकर आए हैं, कितने खूबसूरत है ना। हाँ, आते हुए रास्ते से ले ली होंगे ना। हाय, मेरे ख्याल से वो मुझे प्रपोज करेगा, फिर हम दोनों कपल बन जाएंगे ना फतोश है। देखो मनामी, अगर तुम मेरी राय ले रही हो तो मेरे ख्याल से ना तुम्हें थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। देखो अभी ना तुम उससे सिर्फ आंखें लड़ाओ, अभी बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है उस पर, क्योंकि ये जो तुर्क मर्द होते हैं ना, बिल्कुल भी जापानी मर्दों की तरह नहीं होते हैं कि तुम समझो कि बस मैं वो आ गया है और मैं उसके पीछे पीछे घूमती रहूंगी और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे फतोश क्या हराकिरी, हाँ वो नफीस लड़का है, तुमने भी तो यही कहा था ना। और हमेशा मेरे पैरों में तो ताले डले हुए होते हैं रेस्टोरेंट की वजह से। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए आता है ना वो यहाँ पर, इतराना देखो जरा इसका। हाँ। क्या हुआ फतोश, कुछ कहा क्या तुमने? हाँ वो मैं ये कह रही थी कि तारिक यहाँ काम करने के लिए आता है, याद है ना, क्योंकि नाज़नी यहाँ पर नहीं है और फरीद ने उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा है, तो तुमने उसको ज्यादा सीरियस मत लो कि वो तुम्हारे लिए आता है, समझी तुम मेरी बात को? मतलब तुम याद रखना ये बात मेरी। हाँ मनामी यार, सफाई कर रही हूँ मैं, जरा साइड पे हटो। तुम क्या कर रही हो यार? कभी तुमने सोचा है क्या इस बारे में कि वो यहाँ आता है उसने अचानक तुम्हें लाइन क्यों करानी शुरू कर दी है? पहले तो वो तुम्हें बिल्कुल घास नहीं डालता था, कभी सोचा है? हाँ, कहीं तुम्हें फंसा तो नहीं रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा तुमसे, सोचा है कभी? यार फतोश मैं उकता चुकी हूँ दरअसल। खैर मैं जा रही हूँ, देखो तारिक ने मुझे खाने की दावत दी है, मैं जा रही हूँ। खाने के लिए बुलाया है? अरे मनामी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार कि खाने की दावत दी है उसने? देखो खाने का वक्त आ गया और पता भी नहीं चला मुझे। हाँ अच्छा हुआ तुम मुझे दिख गए, चलो यहाँ से जरा हटा दो इसे। मनामी मुझे भी बहुत भूख लग रही है, ऐसा करते ना एक साथ चल के खाते हैं, बड़ा मजा आएगा कसम से, चलो। फतोश एक साथ खाते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ, ये एक रेस्टोरेंट है और देखो ना तुम्हारा तो अपना रेस्टोरेंट है ना, तो बाहर जाकर बाहर वालों को क्यों पैसे देने यार, यहाँ सब मिलकर साथ खाना खाते हैं ना, फतोश मनामी और हमारा तारिक सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। अरे रुको ना फतोश, तुम हमारे साथ क्यों खाओगी? हाँ मनामी मेरी जान, देखो तुम ना जापान से ताल्लुक रखती हो, तुम्हें तारिक के लतीफे समझ नहीं आएंगे ना, तो मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताऊंगी, और देखो इस तरह पता भी चल जाएगा कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, देखते हैं क्या मामला है। अरे कुछ बुरा नहीं होगा मेरी जान, चलो ना चल के खाना खाते हैं, बहुत मजा आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज, और देखो ना रेस्टोरेंट भी तो खाली नहीं छोड़ सकते ना हम। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, रेस्टोरेंट को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, देखो तुमने अभी भी फूल पकड़े हुए हैं ना, ऐसा करो इनको रख दो, हाथों में पकड़ के रखोगी ना तो जर्म्स लगेंगे और मुरझा जाएंगे ये। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो अब तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल भी देर मत करना तुम, समझ गई ना, वक्त जाया नहीं करना। ठीक है फतोश, ठीक है आ रही हूँ। तुम आ गई मनामी, जाहिर है तुम यहाँ खड़ी हो, कितना फजूल सवाल है, हम क्या करें, चलें क्या? हम खाना खाएंगे यहीं पर, लेकिन फतोश भी हमारे साथ खाना खाएगी। फतोश क्यों होगी, उसका क्या काम है? हाँ मैं समझती हूँ, फतोश आजकल बहुत अकेली है, नाजली भी यहाँ नहीं है इसलिए इनकार नहीं कर पाई, मैं बस थोड़ी ही मदद करके फतोश की बस अभी आती हूँ, फिर सब एक साथ खाते हैं। एक साथ? ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। क्या यार, उसने ऐसा क्यों रवैया रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी तन्हाई को इस्तेमाल करके हमें तन्हा नहीं रहने दे रही, वैसे भी वो खुद तन्हा रहना चाहती थी, या फिर ऐसा नहीं है? शुक्रिया, ये जगह तो वैसे खूबसूरत है बहुत। वाकई फरीद ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट वापस जाना है। बुलुत को भी साथ लाएंगे,
जैतून के दरख्त के पास लेके हम खुबानियां और शाहबलूत भी तोड़ेंगे और फिर हम कल की तरह उसी हट में रुकेंगे, हमारे प्यार का हट। मैं इस लम्हे को खराब नहीं करना चाहती, मगर हमें नाश्ता करके निकलना हो। जैसे तुम कहो मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरी खूबसूरत बीवी। कहानी की तरह है ना। अच्छा सुमान, तुम कर सकती हो, फिक्र मत करो, हिम्मत करनी है बस। मैं डेनिस को फोन करती हूँ। डेनिस। सुमान, मैं अभी लेमन आंटी के पास हूँ, अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। मैं बलूत के साथ चुपन छुपाई खेल रहा हूँ, वो आ गया, चल फिर बात करते हैं। फिलहाल तुम अकेली हो आसुमान, तुम्हें कोई हक नहीं लोगों को अफसुदा करने का, तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो बस। हाँ बोलो फतोश। अरे नाज़ली यार, तुम कहाँ हो? कल से बात नहीं हुई तुम्हारी मुझसे, मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हें पता भी है यार। ठीक है फतोश, ठीक है, रुको, अच्छी तरह की हुई है। तुम लोगों ने बताओ मुझे क्या किया, बताओ बताओ बताओ, प्लीज बताओ। फतोश शर्म करो, मैं इस बारे में फोन पे बात नहीं कर सकती, जब आऊंगी तो तफसील से बताऊंगी। तुमने क्या कहा तफसील यार, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो गई है यार, बताओ ना मुझे, थोड़ा सा तो कुछ बताओ, थोड़ा सा ही बता दो। फतोश अब मैं जा रही हूँ, फरीद आ गया है, बात बहुत ज़्यादा प्यार मेरी जान। आयशा मेरी जान, ये टेबल नंबर 8 पे दे देना। से बात कर रही थी। जाहिर है फतोश से ही, वो मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही। अब हम जैसे चाहे रह सकते हैं, अब दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मैं सुकून महसूस नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया। देखो तो कौन आया है, खुशामदीद। देखो मुजफ्फर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बता दो, मुझे मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। बकवास नहीं करो, दरवाजे पर ऐसी बातें नहीं कर सकते, अंदर आ जाओ, सही से बात करते हैं, बहुत अहम काम है। देखो तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मिर्चों वाला स्प्रे लाई हूँ, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, अंदर चल कर बात करते हैं। मेरे साथ हाथ मत लगाना मुझे। ठीक है। कुछ पीना चाहोगी? मुसफर टहल टहल के वक्त जाया नहीं करो, मेरा क्या चाहिए बताओ मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, कौन सी वीडियो है तुम्हारे पास? भाई मैं ये ले आया हूँ। चक्की तुमने? जी भाई, चलने के लिए तैयार है। ठीक है। भाई ध्यान से लॉक नहीं है। तुम जाओ। तुम तो डर गए यार। ना डरो, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं। मुझे नहीं मारोगे, तुम जानते हो ये गन कहाँ ले जानी है मुझे। नहीं, ये मैंने खरीदी है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, खेत में लेकर जाऊंगा परिंदे मारने के लिए। तुमसे कोई और काम है? मेरी बात सुनो,
मैं पहले ही बहुत परेशान हो रही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए मुझे बता दो। वीडियो दे दो मुझे, काम कर दूंगी तुम्हारा। उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या बुरा होगा मेरे साथ, क्या हम मजा करेंगे? तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा तारुफ अपने दोस्तों से करवाऊंगा, तुम उनके साथ हंसी मजाक करना और मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगा। ये डिलीवरी का क्या काम है? देखो आसुमान, वीडियो बैग में तुम्हारा काम आसान है। मेरे बहुत से अमीर दोस्त हैं और तुम्हें पैसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम अच्छा वक्त गुजारो, तुम्हें बदले में पैसे मिलेंगे और वीडियो भी मिल जाएगी। ऐसे हर किसी की जीत होगी, जीत ही जीत, खरीदार भी राजी और दुकानदार भी। कुत्ता गारंट करे तुम्हें, क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? करीब बताना मेरे। ठीक है, हौसला रखो। देखो आसुमान, हम एक नया मुआहदा करते हैं। हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं अभी। अच्छी रकम दूंगा तुम्हें, अगर मजा आए तो जारी रखना और अगर नहीं आया तो इस्तीफा दे देना। बिल्कुल नहीं। चाहो तो एक दफा कोशिश करके देख लेते हैं, हम दोनों अकेले में। तुम अपने हाथ पार कर रहे हो। तुम हाथ से पकड़ लो। ये क्या किया तुमने? कोई वीडियो नहीं थी, मैं खाली था। मैंने डेनिस को सजा देने के लिए तुम्हें तंग किया था बस। पता है मैं मासूम नहीं था, हर वक्त सेहत से भरपूर रहता था। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर पता है मेरे दोस्त भी यही कहते थे कि मेरे पास सलाहियत है अकीदो जाने के लिए। मेरे पास तरकीब है, फलसफा है और मैं पहले ही दर्स में दूसरे दर्स का इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारी मालूमात के लिए। मैं क्या बोलूं तारे? अरे मैंने तुम लोगों को बताई थी कि यार वो कहानी, वो मेरे स्कूल में था ना यार, एक टैबलो था, मैं तुम्हें उसकी कहानी बताऊंगी। बड़ी ही जबरदस्त कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को सुन के। हमने ना बिल्कुल तारिक, तुमने एकिदो का दर्स हल कर लिया पहले ही दर्स में, तो अब और कहाँ जाने का ख्याल है? हाँ, कहीं कैंपिंग पर चलते हैं ना? कहीं कैंपिंग पर चलते हैं ना, क्या ख्याल है? ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? मौसम भी कितना अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चलो कहीं पे कैंपिंग करते हैं यार, जाकर कैंप लगाएंगे, खाना बनाएंगे, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे ना। दिलो वसी, कैंपिंग हम तीनों, बहुत अच्छा आइडिया है ना। तो काम का क्या फतोश, कुछ करने को नहीं है क्या? अरे देखो ना, नाजली भी नहीं है, तुम्हें तो काम होंगे ना? नहीं है मनामी। वैसे भी मनामी, हमें कुछ आराम भी तो करना चाहिए ना काम से। और वैसे भी नाजली ने मुझे कहा है कि जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी काम नहीं करना तुम फतोश, अपना ख्याल रखना। तो बस मैं उसी की बात पर अमल कर रही हूँ और ख्याल रख रही हूँ अपना।
अपना खाना खत्म कर लिया क्या? नहीं अभी नहीं किया, लगता है तुमने कर लिया है, अभी हम खा रहे हैं। हाँ हम कह रहे हैं। अरे नहीं खाओ नहीं खाओ, छोड़ दो यार वजन बढ़ जाएगा। चलो उठो आ जाओ कॉफी पीते हम लोग, चलो चलो चलो। तारिक मुझे दे दो। कोई बात नहीं शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। हाँ तारिक तुम ये ग्लास लेकर ना जरा अंदर आ जाओ। खुदा मुझे सब्र दे। हाय खुदा मुझे सब्र दे। आप बहुत खूब, तुम दोनों जैसे नैन मटका कर रहे हो ना सब दिख रहा है मुझे। तुम लोगों को बात करने का मौजू भी नहीं मिल रहा है, सब समझ में आ रही है मुझे। परेशान नहीं हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है। मतलब मेरे दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना, आज से तुम लोग जहाँ भी जाओगे मैं साथ जाऊंगी तुम लोगों के, और बातें करती रहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक दूसरे से क्या बात करें। अरे फतोष देखो एक कस्टमर है, जाओ अटेंड करो जाके। अरे यार मुझे नहीं जाना यार, वो लोग जापानी खानों के बारे में पूछते रहते हैं मुझसे, बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता है कुछ, क्योंकि यार मुझे तो नहीं पता ना जापानी खानों के बारे में। तुम्हें पता है ना सब कुछ उस बारे में, और ये तो तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगी इस बारे में, तो इस वजह से तुम ही जाओ और तुम संभालो, मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकती। हाँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझसे सवाल करे और मुझे जवाब भी ना पता उसका, अच्छा नहीं लगता ना यार। हाँ ठीक है। कॉफी चीनी के साथ या बगैर चीनी के? बगैर चीनी के ना हसन, जरा बगैर चीनी की कॉफी बनाओ यार। हाँ तो मैं कह रही थी कि वो जो हम कैंपिंग करने के लिए जाएंगे कितना दूर होगा यहाँ से? ज्यादा दूर तो नहीं होगा ना, आराम से पहुँच जाएंगे 2-3 घंटों में। फतोष तुम क्या चाह रही हो? हाँ क्या दलवोसी, क्या कैंपिंग, और हम तीनों क्यों जा रहे हैं भला? यानी क्या करने की कोशिश है? मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ अपनी मनामी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो तारिक, मुझे ये तो बताओ क्या हुआ? अचानक से मनामी में दिलचस्पी हो गई? उसके जज्बात से मत खेलो, जापानी लोग नाजुक होते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं मनामी के जज्बात से क्यों खेलूंगा? यानी अपने घुटने पर उसके बालों के साथ खेलने की बजाय उसके जज्बातों से खेलूंगा मैं। देखो तो जरा कैसी बातें कर रहे हो मेरे सामने तुम। क्या सोचा तुमने? जैसे ये तुम्हारी वाहिद परेशानी हो तो मनामी को बचाने की कोशिश कर रही हो, जालिस होने की वजह से नहीं है ना? मुझे तो तुम्हारा ये रवैया नहीं समझ आ रहा, एक हफ्ते से मनामी के भाई की तरह का रवैया। आखिर तुम क्या चाहती हो? कौन मैं? हाँ तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम यार तारिक अजीब बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा ही है। मम्मी ये बताइए कैसे? कुछ हुआ है फतोष? नहीं हम तो बस बात कर रहे थे यार, मनामी बस कैंपिंग में जाएंगे ना उसकी बात कर रहे थे। हाँ हाँ हम वही बात कर रहे थे, सड़क वगैरह की। कॉफी पियोगी क्या? पीती हो? पीती हूँ। अच्छा पियोगी, चीनी के साथ या बगैर? साथ। ठीक है। हाँ हसन भाई मनामी के लिए भी कॉफी बनाना। ठीक है चलो हम उधर बैठते हैं ना, कॉफी पीते हैं साथ बातें करेंगे। आ जाओ अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं करने के लिए, आ जाओ। मैं तुम्हारा तारुफ अपने दोस्तों से करवाऊंगा, तुम उनके साथ हंसी मजाक करना। वीडियो बैंक में तुम्हारा काम आसान है, मेरे बहुत से अमीर दोस्त हैं और तुम्हें पैसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम अच्छा वक्त गुजारो, तुम्हें बदले में पैसे मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ तुम अच्छा वक्त गुजारो, तुम्हें बदले में पैसे मिलेंगे। अगर मजा आए तो जारी रखना, और अगर नहीं आया तो इस्तीफा दे देना। बिल्कुल भी नहीं। चाहो तो एक दफा कोशिश करके देख लेते हैं हम दोनों अकेले में। मैंने कहा पीछे हटो। तुम हद से बढ़ रही हो। क्या कर रहे हो? तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है मुजफ्फर। ठीक है जिद मत करो। तकलीफ हो रही है भाई? बोला ना बस करो, ये तकलीफ का नाटक कहीं और करो जाकर। थोड़ा सा खून और तुमने तमाशा बना लिया है। एक मामूली सी गोली है, एक बच्चे को भी मालूम है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसने कौन सा तुम्हारे दिल पे गोली मार दी है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है तुमने। लेकिन आसुमन का क्या? नाकाबले यकीन, बेकर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो भाग कैसे सकती है। हाँ देखो एक्टिंग अच्छी की, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ऑस्कर मिलेगा इस पे।
तुम्हें कहना नहीं करो। भाई मेरी बात सुने, आपकी बात मान के पिस्तौल उसे दी, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। जाहिर है अल्लाह ही बचाएगा, और कौन है बचाने वाला? सबको पता है अल्लाह ही बचाएगा, बल्कि सबको बचाने वाला अल्लाह ही है। फिल्म पूरी करने के लिए अल्लाह ने हमें बचाया, हमें ताकि हम तुम्हें जन्नत में भेज सकें। बस बेकर फिल्म लगाओ जल्दी से, दोबारा देखकर अच्छा लगेगा मुझे। हमें फॉरेन कॉफी पीनी चाहिए। लेमन मैम, अम्मी, खुशामदीद। आपको भी खुशामदीद। खुशामदीद। तुम लोग शहर से बाहर गए थे एक साथ? जी, जब बुलुत वहां नहीं था हमने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम के आ जाए, लेकिन वापस आकर आपको देखकर हैरानी हुई। मैं खुद बुलुत को छोड़ना चाहती थी, फजीलत भी ऊपर है उसके कमरे में। फजीलत कौन है? मकबूला बीबी कहाँ है? उसको जॉब से निकाल दिया मैंने। अब से फजीलत बुलुत का ख्याल रखेगी। जरूरी है कि तुम दोनों की गैर मौजूदगी में कोई बुलुत के पास हो। अब ये मकबूला बीबी का क्या मसला है? लेकिन हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? और वैसे क्या जरूरत थी इसकी? आप ये तो नहीं सोच रहे कि हमने बुलुत को किसी के भी हवाले कर दिया? फजीलत तालीमी याफ्ता और काफी समझदार भी है। किचन में कोई मदद करने वाला नहीं। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो वो यहाँ बावर्चन थी, लेकिन तुम अब एक फैमिली हो। बाग के लिए, इस घर के लिए एक मुलाजिम की जरूरत है, और साथ ही एक किचन के लिए भी। लेमान मैम, फरीद और मैं अपनी पर्सनल जगह पर किसी को पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली आप पहले से ये जानती हैं अम्मी? जाहिर है, फैमिली के सिवा वो हमारे पास किसी भी वक्त हो सकते हैं। बहुत खूब, ऐसा लगता है जैसे सिखाया गया हो, एक एक वार बाखूबी किया गया है। भाई हमने ये मॉनिटर तो सेट कर दिया, क्या पुलिस इस पर यकीन करेगी? मैंने फजूल में तो गोली नहीं खाई। परेशान ना हो, विकर ने सब बंदोबस्त कर लिया है। कैमरा यहाँ 3 महीने पहले लगाया गया था। मैंने रसीद और कागजात तैयार कर लिए भाई। मुजफ्फर मेरे सामने नंगे मत खड़े रहो, जाके कपड़े पहन लो, खुदा का वास्ता है। जाओ जाके कपड़े पहनो। मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ, अब भी करो। वो क्या कहते हैं, एक काम करो, इस क्लिप को कन्वर्ट करके मेरे मोबाइल में डालो। जी हाँ भाई, मगर आपके जहन में क्या मंसूबा है बताइए। अब सिर्फ देखते जाओ, मजा आएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। शादी पे नहीं आ पाई, बहुत बीमार थी, और फिर तुम लोगों ने भी जल्दबाजी की। खैर जो भी, माजरत उसके लिए। कोई मसला नहीं अम्मी, हमने वैसे भी शादी कोई खास सेलिब्रेट नहीं की थी। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे जज्बात हैं, हमने पहले से ही दूसरे के दिल पर दस्तक कर लिए थे। बहुत खूब। शादी के बाद हम आपसे मिलने नहीं आ पाए, बहुत माजरत ख्वाह हूँ। हम आपसे माफी चाहते हैं। नाजी तुम परेशान ना हो, अम्मी ने माफ कर दिया है उसके लिए। आपको तो पता है मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, नाजली का भी रेस्टोरेंट पूरे हफ्ते चलता रहता है। खैर बड़ा मसला नहीं, मिल ना भी सके तो दिल एक होने चाहिए। और हाँ, वो वक्त हासिल करने के लिए जो मैंने खो दिया, इसलिए मैंने कुछ अरसा तुम लोगों के साथ रहने का फैसला किया है। इसका क्या मतलब है अम्मी? सीधी सी बात है, मैं कुछ अरसे यही रुकूंगी। मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त बुलुत के साथ गुजारूं, और इस तरह मुझे नाजली को जानने का मौका भी मिलेगा।
देखिए अम्मी, हमारे यहाँ पर कुछ असूल है। फरीद, तुम्हारी अम्मी का हक है कि वो बुलूस से मिले। अगर वो यहाँ रहना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल रह सकती हैं। वैसे भी हम इस दौरान घुल मिल लेंगे थोड़ा। नाज़ली मामू। मेरे प्यारे भांजे, चलो उतरो और यहाँ आ जाओ, बहुत मिस किया तुम्हें। इधर आओ। मेरे प्यारे भांजे, हमने मिस किया तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। क्या ये मैं हूँ? जी, और आप ऑलिव्स उतार रही हैं। ये कौन है? ये मामू है। फतोश, फतोश, आज मौसम खुशगवार रहा, बहुत से लोग चहलकदमी कर रहे हैं। और मुकाबले का ये आखिरी राउंड चल रहा है और देखते हैं कि कौन जीत रहा है। शहर में होने वाले बॉक्सिंग के मुकाबले में दोनों टीमों में से एक टीम ने, मैं आपको बताता चलूं, आवाम पर एक बार फिर महंगाई का बम गिर गया है। कहाँ हो तुम? क्या कर दिया मैंने उसको? कैसे मार दिया? मैं आखिर किसी को कैसे मार सकती हूँ? आखिर मैं किसी पर गोली कैसे चला सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने क्या कर दिया? अरे देखो तो जरा, मैं सोच रही हूँ कि टीवी कहीं खुद ही तो नहीं खुल गया यार। अरे आसुमन, तुम्हें मेरे चीखने का जवाब तो देना चाहिए था ना, तुम चुपके से यहाँ आकर बैठ गई यार। तुम्हें आवाज दे रही थी मैं, सुना नहीं तुमने? मैं घंटों से चीख रही हूँ वहाँ खड़ी होकर। तुम्हें पता है आसुमन, मैंने तुम्हें मैसेज किया, कॉल की, लेकिन तुमने मेरी किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये क्या हरकत है आसुमन, मुझे बताओ, ये अजीब हो तुम। फतोश, मैं क्लास में थी इसीलिए अपना फोन ऑफ कर दिया था। उसके बाद गामजे के घर चली गई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ जाकर अपना फोन ऑन करना भूल गई मैं। और कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। और यहाँ किसी ने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ अकेली परेशान हो रही हूँ। नहीं, अजीब हरकत है यार। खूबसूरत तस्वीर है ना? बहुत अच्छी है, लेकिन बुलुत खुद गाने में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक हम पियानो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ना बुलुत? मैंने बास्केटबॉल स्कूल जाना है। ठीक है, मुझे लगता है तुम दोनों कर लोगे। बुलुत तो वैसे ही बहुत चीजों का सामना कर रहा है अम्मी, बास्केटबॉल के स्कूल जाना है उसे, पियानो की क्लास उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, थक जाएगा वो। शायद गर्मियों में। हाँ मुमकिन है, वैसे भी पियानो लेसन जरूरी तो नहीं। ड्रम भी अच्छा है। डुब 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 डुब। आज मैंने मिशाल मैडम से बात की है, वो हमारा अगले हफ्ते इंतजार करेंगी। हमें क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या कहते हो फरीद? वक्त के साथ साथ इंसान के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। उन मुश्किलों का सामना नहीं करना मुझे जो तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। फरीद की पियानो क्लासेस बहुत बुरी होती थी। जी फरीद ने मुझे बताया है एक बार, तुम्हें याद है ना जो तुमने मुझे पियानो का किस्सा सुनाया था? मालूम नहीं, फरीद को पुरानी यादों के बारे में बात करना पसंद है। लेकिन फरीद अब बहुत अच्छा पियानो बजाता है, मैंने सुना भी है। नाज़ली बेटा, पियानो सुनने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, शायद इसीलिए तुम्हें भी पसंद आए। अच्छा तो चलो बुलू, देर हो रही है, सोने का वक्त हो गया है, चलो। मैं सुला देती हूँ, कहानी भी सुनाऊंगी तुम्हें। नाज़ली, फजीलत ऊपर है। मिसेस लेमान, अगर आपको ना पता हो तो मैं बुलुत को रोज सुलाती हूँ। ओह, बहुत सारी चीजें थी वहाँ, बहुत मजे मजे की। ये दोबारा मत करें अम्मी। क्या ना करूं मैं आपको नाज़ली के साथ ऐसे नहीं करने दूंगा, ये आखिरी बार है।
मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं चाहता। ऑलिव के दरख्त भी होंगे, शहजादियां होंगी उसमें, और क्या, हम लोग वहाँ खेलेंगे भी। नाज़ी, मैं अपनी ड्राइंग भूल आया। ठीक है, अपने कमरे में जाओ, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। ठीक है। मुझे नहीं पता कि नाज़ली ने ये कैसे किया जो कोई और नहीं कर सका। पता नहीं कैसे राजी किया। बहुत हो गया। तुम मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर रहे कि मैं उस लड़की पे यकीन करूं। बुलूत अपनी पेंटिंग यहाँ भूल गया था। आपका क्या इरादा है, आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छे हाथों में है कि नहीं। क्या एक माँ का ये हक नहीं होता? आपको सिर्फ एक बात पता होनी जरूरी है कि मैं नाज़ली से प्यार करता हूँ। वही क्यों? मेरा मतलब एक बिचारी क्यों? क्योंकि वो आपके जैसी नहीं है। नाज़ली, मेरी अम्मी की बातों को सीरियस मत लेना। फरीद, वो मुझे नहीं जानती और हम सिर्फ एक बार ही तो मिले हैं। हमने ठीक से बात भी नहीं की। सब चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। उनका तरीका मुनासिब है। वैसे मैं कुछ नहीं कहूंगी उनको जब तक वो यहाँ हैं। उनका हक है कि वो ऐसे करें। मैं जानती हूँ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं बना, मतलब हमारा रिश्ता किसी की भी समझने के लिए बहुत मुश्किल है। हमें भी बहुत मुश्किल हुई इसको नाम देते हुए। लोगों का रवैया मुनासिब है। हमने कल रात को नया रिश्ता शुरू किया। कोई सवालात नहीं, कोई परेशानियां नहीं, सब कुछ बहुत साफ है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं किसी को ये खराब करने नहीं दूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे तुम्हारी अम्मी से रिलेशन अच्छे नहीं है, तुमने उनके साथ ऐसा क्या किया है? मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। ठीक है, तुम्हें बेहतर पता है। मैं बुलूत को कहानी सुना के सुला देती हूँ। मैं इधर भी किस करना चाहता हूँ। तीसरी नहीं दोगे? मैं दे देती हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। जब तुमने कॉल की थी तो उस वक्त मैं आंटी लेवान के पास था, मैं रिप्लाई नहीं कर सका उसके बाद। हाँ ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास में थी। वैसे भी अपना फोन ऑफ कर दिया था, फिर ऑन करना भूल गई थी। तुम क्या कहने लगी थी, मुझे बताओ, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि हम स्कूल के बाद मिल लेते हैं, लेकिन फिर मैं गामजे के घर चली गई पढ़ाई के लिए। चलो अभी मिल लेते हैं, अगर चाहो तो कहीं बाहर मुलाकात कर लेते हैं। नहीं, अभी काफी देर हो चुकी है। देर तुम्हें? बस आज मेरा मूड बेहतर नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मूड बन जाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे मुलाकात करने आ जाता हूँ, तुम्हारे पास आकर क्लास दूँ तुम्हें गिटार की, या तुम आ जाओ मेरी तरफ। नहीं, बहुत थकी हुई हूँ आज। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे भी मौका मिले आपकी खिदमत का। शुक्रिया डेनिस, लेकिन आज मैंने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है। कभी नहीं पढ़ा इतना, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है इतना ज्यादा पढ़ने की, बस इसीलिए थक गई हूँ मैं। मैं लेट रही हूँ, अब सो जाऊंगी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मेरी प्यारी दैमित, खुदा के लिए और इसकी खूबसूरती,
क्या ये कमाल नहीं? इसमें वो सब कुछ है दैमित जो तुम्हें चाहिए। ये जख्म पिस्टल की वजह से, इसमें भत्ता खोरी है, सौदेबाजी है, 6 साल से शुरू होती है, सिर्फ 6 साल। ये बेहतरीन है, शाबाश। तुमने फिर वही किया जिसकी मुझे तवक्को थी। कोशिश अच्छी है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। ओ मेरी जान, इतनी ज्यादती तो ना करो अब अपने साथ दैमित। तुम भी इस काम में बहुत अच्छी हो, ये हमारा खानदानी मशगला बन चुका है। वैसे तुम इस वीडियो का क्या करोगे? पुलिस को दोगे क्या? नहीं मेरी जान, कोई पुलिस नहीं। ये वीडियो हमारी टिकट होगी वापस ब्लूट के पास जाने के लिए। मैं नाजली को ये वीडियो दिखाऊंगा, हम साथ देखेंगे, उसके बाद मैं उसे संभाल लूंगा, उस बेचारी नाजली को। जो मेरा दिल करेगा अब से मैं वो करूंगा जो दिल करेगा। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में, अपने घर, अपने घर में, अपने कमरे में। मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं तुमसे दूर रहने की। क्या डिफरेंस है आज की रात और बाकी रातों में? मुझे नहीं पता, बताओ मुझे क्या मुख्तलिफ है। हम ज्यादा कंफर्टेबल बिस्तर में हैं। कल की रात बहुत खूबसूरत थी हर चीज के बावजूद। बहुत खूबसूरत रात थी वो। रात जिसमें तुम मेरी बाहों में हो वो खूबसूरत होगी, मैं वादा करता हूं। अगर इस वीडियो के जरिए तुम नाजली को बुरा बनाना चाहते हो तो फिर बहुत हिफाजत करना होगी तुम्हें वीडियो की। दैमित चलो भी, ये मत समझो कि हर कोई तुम जैसा होता है। अगर मैं इतना ही बुद्धू होता कि मैं इतनी खास चीज को एक ही जगह रखता, मैं सोचता कि तुम प्यार करती। इतने यकीन में मत रहो कि मैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी नहीं रखूंगी, ये भूल है तुम्हारी। झूठ, मेरे लोगों ने चेक किया है तुम्हारा फोन, तुम्हारे फोन से रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं भेजी गई मेल के जरिए। हो सकता है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे फोन से कहीं और भी पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारे सबूत किसी और के हाथ लग जाए तो कितना बुरा होगा ना। गौर करना मेरी बात पे। मैं तुम्हें सुबह तक ऐसे देख सकता हूं। बहुत टाइम है सूरज निकलने में। पहले भी कर चुका हूं और फिर कर सकता हूं। ये कब हुआ? तुम सो रही थी, मैं तुम्हें सुबह तक देखता रहा। क्या? हाँ हो सकता है ऐसा। मैं तुम्हारे करीब आई हूँ तुम्हारी खुशबू इनहेल करने के लिए। आज तुम्हारे इतना करीब हो गए नाजली, तुम्हारी ये धड़कन महसूस करके अच्छा लग रहा है मुझे। हमने इतना इंतजार क्यों किया? तुम्हारी आंखों में खूबसूरत चीजें दिख रही हैं। क्या देख रही हो? तुम्हारे इमोशंस। प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अरे छोड़ो ना नाजली, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आज का दिन हमारा दिन है, भूलना मत, जल्दी आना। सॉरी फतोश। क्या मैंने अभी किस करने की आवाज़ सुनी है नाजली? देखो कसम से अगर ये किस लेने की आवाज़ है ना तो मुझे तुम बताओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार तजस्सुस से। मुझे बताओ कि क्या चल रहा है वहाँ पर, बताओ।
सॉरी फतोश, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी आऊंगी और तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देखो नाज़ली, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम आओगी और मुझे सब कुछ तफसील से बताओगी, समझी? ठीक है, मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी बस। मेरी फरीद से डील खत्म हो चुकी है, अब हम वाकई शादीशुदा हैं। ये तो मुझे पहले से ही पता था यार। अच्छा चलो मुझे तफसील बताओ, तुमने उसको बता दिया कि तुम उससे प्यार करती हो? फतोश मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार। और मेरा फोन सारा दिन बंद होगा। खाना लगाने के बाद पूरे हफ्ते का मेन्यू तैयार करोगी और मुझे कैलोरीज भी काउंट करनी है। ठीक है लिमान मैडम। तुम ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करोगी? जी ठीक है मैडम। फजीलत, तुम सफाई करोगी बुलूत के कमरे की। जब वो स्कूल से आए तो उसका कमरा साफ होना चाहिए, हर जगह उसके टॉयज हैं। जी सब हो जाएगा मैडम। चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ।